सफल करे मैं शपथ लेता हूँ कि बात करूँगा हर वर्ष 2 घंटे श्रमदान करके इस संकल्प को मैं ना आज का ये जो कार्यक्रम था ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फील्ड ऑफिस पुंछ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है पुरानी पुंछ में यहाँ पे सुभाष चंद्र पार्क में हमने स्वच्छता अभियान सफाई अभियान चलाया है श्रमदान करवाया है और जैसे पूरे देश में 1 घंटे का कार्यक्रम चल रहा है उसी के तहत म्यूनसिपलिटी और लोकल्स और स्कूल्स के साथ मिलकर हमने यहाँ सफाई करवाई है और ये जो पखवाड़ा था ये 15 सितंबर से 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक चल रहा है तो स्वच्छांजलि हम दे रहे हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर उसी के तहत हमने ये जागरूकता अभियान चलाया है। हम बार बार इसलिए आते हैं कि लोग जो भूल जाते हैं कि हमें सफाई रखनी है अपने आसपास वो दोबारा दोबारा याद करें और ये जो मुहिम है ये लगातार चलती रहे लोगों की सोच बदले कि हमें गंदगी फैलानी नहीं बल्कि सफाई का ध्यान रखना है। सफाई अभियान 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये सफाई करवाई गई है और इसमें जो पार्टिसिपेंट है डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं और पब्लिक है जो सब अपने आप को इन्वॉल्व करके और सफाई को एक पहल आगे बढ़ाने के लिए इन सब ने हम सब ने मिलकर ये काम किया हुआ है और ये नहीं है कि ये सफाई आज से चल रही है। मेरी म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ फॉर द लास्ट 5 ईयर्स ये सफाई का अभियान ऐसे ही चल रहा था। कभी एक वक्त था एक मेरे म्यूनसिपल काउंसिल के पास सिर्फ 1 गाड़ी होती थी आज 10-10 गाड़ियां हैं और डोर टू डोर कलेक्शन जो करते हैं हम यहां से लोगों को इजी मेथड अडॉप्ट करने के लिए कि आप अपना कूड़ा एक गाड़ी में डालो और गाड़ी यहां से ले जाएगी वहां पर डिस्पोज ऑफ करेगी इसको और सेग्रीगेशन करवाएगी। इसलिए मेरे आपके माध्यम से ये लोगों से अपील है कि ये एक काम खाली म्यूनसिपल काउंसिल का नहीं है हर आदमी का काम है हर बच्चे का काम है हर पेरेंट्स का काम है कि अपने आप को अपने इधर इर्द गिर्द सब साफ सफाई रखें तब भी हम स्वस्थ रहेंगे ठीक रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना पहल हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितनी पहल है ये कि ये एक हर आदमी की सिक्योरिटी हर आदमी की हेल्थ के बारे में कितने जागृत हैं वो कहते हैं कि हर आदमी को एक तंदुरुस्त और ठीक होना चाहिए ठीक इसीलिए ऐसे होंगे कि वो लोगों से ये चीज़ वो एक्सटेंड करना चाहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान करेंगे और हम भी स्वस्थ रहेंगे ठीक रहेंगे। देखो ये मट्टू जी हैं ये दिल्ली से आएंगे इन्होंने 3-4 बार पहले असाइन की गई थी इनको ये असाइनमेंट इन्होंने पूरी की है और दिल्ली से चल के यहाँ पर आने का इनका क्या है कि लोगों को जागृत करना लोगों को ये समझाना बताना कि साफ सफाई है तो हम स्वस्थ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।